क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। कल हमने एक शानदार वीडियो बनाई थी आपके लिए, पूरी बैक की वर्कआउट। मैंने और मेरा दोस्त जतिन था साथ में, आपने कल की वीडियो डेफिनेटली देखी होगी। उसके अंदर दो तीन चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि आपको और अच्छे से समझानी चाहिए। जैसे लैट पुल डाउन की वर्कआउट थी, मुझे ऐसा लगा कि आपको अच्छी तरह का मैं खुद करके बताता हूँ किस तरीके से आपका लैट्स में एक्टिवेशन आता कि या नहीं आता। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आपकी लैट्स मूव करती है। तो अभी आप अच्छे से देखिएगा, मैं एक लैट का पोज करके दिखा रहा हूँ। इस पार्ट को हमारे लैट्स बोला जाता है, ये जो हमारा विड्थ बढ़ाती है। मतलब आप वी टाइप पर देख सकते हो कि नैरो वेस्ट और हमारी जो हमारी बैक विड्थ होती है ना, ये वी शेप लेके आती है। तो इसका पोज कुछ इस तरीके से हिट होता है ऐसे। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो जैसे पॉपअप करके बाहर आता है, इसको हम लैट्स बुलाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ उसकी प्रॉपर शानदार वर्कआउट लैट पुल डाउन किस तरीके से परफॉर्म करता है। आइए साथ में। सबके पास ये मशीन होगी, कल की वीडियो के अंदर भी मैंने इसी मशीन का जिक्र किया था। कुछ लोगों के पास पुलीज होती है, किसके पास अलग एक्सटेंशन होता है, हमारे पास सिंगल हैंड है। आप चाहो तो सिंगल हैंड भी इसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्रॉपर इसको लगाया जाता है। वेट याद रखिएगा, अपने हिसाब से लीजिएगा। और एक और चीज़ सबसे अच्छी टिप मैं बता देता हूँ, इस एंगल पर लोग ध्यान नहीं देते हो। ये जो एंगल है ना, आप याद रखो कि आपको पैरों की ग्रिप जितनी अच्छी बनेगी ना, आप वेट उतना ही अच्छा उठा पाओगे बिना मोशन के। आप याद रखना हमेशा, जब भी आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे ना, जितनी आपकी बॉडी मूव करेगी ना, वो वेट शिफ्ट होता ही जाएगा। कभी आपके शोल्डर्स पर आएगा, कभी आपकी लोअर बैक पर आएगा, कभी आपके हैमस्ट्रिंग्स पर आएगा। तो हमेशा याद रखना, इसका एंगल सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके जिम में जो भी एक्सरसाइज हो, जो भी मशीन हो, उसको इसको सेट कर लीजिएगा पहले। तो मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया है। अब आप एक बार साइड में आके दिखाओ कि किस तरीके से मैं इसके अंदर बैठता हूँ। लाइक जब भी मैं इसकी ग्रिप लेता हूँ ना, तो बिल्कुल प्रॉपर अपनी जो थाइस है इसको अंदर ऐसे फंसाना होता है। अब देखो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। अब ऊपर कितना भी वेट आएगा ना, सारा वेट मेरे लैट्स पर आएगा। मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। अब आपको जो विड्थ लेनी है, जैसे कल मेरे भाई ने नॉर्मल विड्थ ली थी आपको समझाने के हिसाब से, आज मैं आपको दो विड्थ बताता हूँ। एक हम बताएंगे वाइड एक्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं। अभी शॉर्ट पीछे से ले लो, आप देखना किस तरीके से प्रॉपर बैक आपको मूव करती हुई दिखेगी और इसका मोमेंटम आप देखना अच्छे से। ये मैं ले रहा हूँ, वाइड रेंज ले रहा हूँ। आप देखो किस तरीके से बैठना है। सबसे पहले आपको अपनी ग्रिप स्ट्रांग बना के और अपने पैरों को स्टेबल रखना है कि आपकी लोअर बैक मूव नहीं करे। देन प्रॉपर स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्लो 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 स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। इसके आपको 4 से 5 सेट लेने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। आपने देखा होगा कि मेरे प्रॉपर लैट मूव कर रहे थे, मैंने 2 या 3 रेपिटेशन लगाए। और इसमें आप एक बार पोज देखो, मेरा पोज कितना अच्छा आ रहा है इस तरीके से। और पोजिंग की भी मैं इंडिविजुअल वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि पोजिंग भी मुझे अच्छे से पता है, हर जिम के अंदर इतना बताया नहीं जाता। सब लोग वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, सब लोग ऐसा लगता है कि बस एक्सरसाइज करो, लेकिन पोजिंग पे कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, 4 से 5 सेट लो, 12 से 15 रेपिटेशन लो, उसके बाद हर बार पोज को मैंडेटरी रखना ही रखना है। तो इसी के साथ मैंने आपको एक्सरसाइज समझा दी। अगर आपको और भी किसी एक्सरसाइज के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।